धन्यवाद सभापति महोदय। लोकसभा खुदा की इबादत है, पर यह उस खुदा की इबादत नहीं है या उस ईश्वर की आराधना नहीं है जो मस्जिदों अथवा मंदिरों में रहता है। यह उस खुदा की इबादत है जो लाखों करोड़ों की संख्या में अपना शरीर और आत्मा लिए हुए सोते जागते भूखे प्यासे अंधेरे में प्रकाश में गम में खुशी में रहता है। और सच पूछिए, इसी खुदा की बदौलत मंदिरों और मस्जिदों में श्रद्धापूरित आत्माएं जीवित हैं, उनकी भोग क्रिया भी जीवित है, उनके स्तुति ज्ञान भी जीवित हैं। परंतु खेत के साथ कहना पड़ता है कि मंदिरों मस्जिदों में रहने वाली आत्माएं जिनसे जीवित हैं वे स्वयं सुखार से मरबाहत हैं। मगध प्रमंडल का गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल व मुंगेर प्रमंडल का जमुई, शेखपुरा, लखीसराय आदि पठारी हिस्से में रहने वाली करोड़ों की आबादी पेयजल, सिंचाई और अपनी पैदावार के रखरखाव के लिए प्रताड़ित, उपेक्षित है और उनकी आतनाद अनसुनी। बिहार सरकार उनकी पीड़ा को लेकर वाई बदों में उपेक्षित, योजनाओं का कार्यान्वयन निधि के अभाव में सुचारू रूप से नहीं कर पा रही है। बिहार में 67 लाख टन धान की पैदावार हुई है और गेहूं की पैदावार भी बंपर हुई, पर इनके रख रखाव बोरियों का प्रबंध नहीं होने के कारण हजारों करोड़ के अनाज सड़ जाने की स्थिति में है। बिहार अपनी अस्मिता के लिए संघर्षरत है और केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि बिहार के विकास में भारत के विकास को देखने की प्रवृत्ति अपनाई। मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि वह गया, मुंगेर, भागलपुर प्रमंडलों में जो व्याप्त सुखाड़ उपस्थित है उसमें वह बड़े पैमाने पर टास्क फोर्स का गठन कर आहर, पैन, ताल, तलैया, पहाड़ी, चापाकल आज की योजनाबद्ध तरीके से प्रबंधन करें, ताकि हम लाखों करोड़ों देवताओं की इस सेवा से उनकी आराधना कर सकें। श्री पशुपतिनाथ सिंह।